Very good afternoon, everyone. How are you all? Welcome to Management Mantra by Dr. Barkha Gupta. I am Dr. Barkha Gupta, आपकी teacher, जो यहाँ पर आपको NTUGCNET की preparation करा रही हूँ. तो जल्दी से आ जाइए जिससे हम शुरू करें हमारा session. आज का session बहुत important है क्योंकि आज का जो topic है वो बहुत ज़्यादा important है. Although देखा जाए तो किसी ना किसी तरह से हर topic cover होता है आपका. कभी किसी paper में आपसे कोई टॉपिक पूछ लिया जाता है, कभी कोई टॉपिक पूछ लिया जाता है, तो मोस्टली आपका जो है वो कोई ना कोई कवर हो ही जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 10. आप जानते ही हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और इसके हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, हम वुमन एंटरप्रेन्योरशिप कर चुके हैं. इसके अलावा जो इंटरप्रेन्योरियल की जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो हम देख चुके हैं और इंटरप्रेन्योर कर चुके हैं. और आज हम करने वाले हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, जो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो जल्दी से जुड़ जाइए जिससे कि अपना ये सेशन शुरू किया जाए. ओके, यस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. अपने अपने अटेंडेंस लगाते जाइएगा और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताने वाली हूँ, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है. नाउ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट, है ना. तो सबसे पहला जो आपका टास्क है दैट इज द फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSMED? तो MSMED फुल फॉर्म इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट. ओके, तो सबसे पहली चीज यही है, आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए बिकॉज समटाइम फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है. नाउ ये जो MSMED है ये क्या है? दिस इज अ एक्ट. ये एक एक्ट भी है जो 2006 में आपका आया था. कब आया है? 2006 यानी 2006. ठीक है, यस, वेरी गुड आफ्टरनून नवनीत, वेरी गुड आफ्टरनून मुस्कान. ओके, तो अब आपको क्या याद करना है? यहाँ के जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला तो यही हो गया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट जो है MSMED इसका फुल फॉर्म है, और MSMED एक्ट जो है वो 2006 में आया हुआ है. ये आपसे कई बार मैचिंग में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना. तो इसलिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है. नाउ द थिंग इज दैट कि जब आप प्रीवियस ईयर्स की बुक्स उठा के देखोगे या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है वो कितनी होगी, है ना. इन्वेस्टमेंट लिमिट आप लोगों से पूछी जाती है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होगी स्मॉल इंडस्ट्रीज में. तो अगर प्रीवियस डेटा आप देखोगे तो वहां पर ऑप्शंस आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, 25 लाख, बट नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द नॉट एग्जिट रुपीज 5 करोड़. ये है हमारा प्रीवियस डेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, एंटरप्राइजेस का क्या मतलब है? वो कंपनियां जो कि छोटे लेवल पर हैं, स्मॉल लेवल पर हैं और मीडियम लेवल पर हैं, उनके बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाए हुए हैं, और वो जो एक्ट होता है इन कंपनी को सपोर्ट करता है उनको आगे बढ़ने के लिए. ये वो सपोर्टिव एक्ट, वो सपोर्टिव अमाउंट उनको प्रोवाइड कराते हैं बेसिकली, जिससे वो कंपनी अपना जो है वो ग्रो कर सके. अब इनका जो नाम है वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम क्यों पड़ा है? इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है. कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी का जो साइज है वो क्या होगा. हम उसको माइक्रो कैटेगरी में रखेंगे, हम उसको स्मॉल कैटेगरी में रखेंगे, या हम उसको मीडियम कैटेगरी में रखेंगे. इट्स टोटली डिपेंड ऑन कंपनी का जो आप फंड जो कंपनी को मिल रहा है, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो है इंटरप्राइजेस के फॉर्म में रखते हैं. आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो चुकी होगी. अभी प्रीवियस डेटा देखते हैं. तो प्रीवियस यानी कि पास्ट में क्या होता था? तो पास्ट में ये था कि माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो किसको कहा जाता था कि जिसकी मशीनरी, जिसका इन्वेस्टमेंट या जो भी प्लांट जो आप यूज कर रहे हो उसका खर्चा 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपका आएगा माइक्रो की कैटेगरी में. स्मॉल एंटरप्राइजेस की अगर बात की जाए तो जो हम प्लांट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो आपका 25 लाख से तो ज्यादा हो सकता है लेकिन 5 करोड़ से कम ही रहेगा, ठीक है, ये बोला जाता था.
फिर बोला जाता था कि मीडियम इंटरप्राइजेस इंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता था लेकिन वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता था। बट दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ये आपका पास्ट का डेटा है। अभी करंट का जो डेटा है वो आपका चेंज हो चुका है। तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता भी है और बुक्स में अगर आपको ये दिख रहा है तो इसको आप हटा कर अब नया वाला जो डेटा है वो आप देखेंगे। ये आपका न्यू डेटा है जो आपका 2021 के बेसिस पर ये बनाया, ये डेटा आपका है और अभी लेटेस्ट में भी यही डेटा आपका चल रहा है, ठीक है। तो फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है ना, दो तरीके से कर दिया है। ये देखो, दिस इज द न्यू डेटा माइक्रो स्मॉल और आपका मीडियम, ये हो गई आपकी इंटरप्राइजेस, है ना, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट यहां पर डिसाइड कर दी है। तो अकॉर्डिंग टू देम जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होती है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है प्लांट्स के लिए मशीनरी के लिए वो आपका 1 करोड़ तक का हो सकता है और टर्नओवर जो आपको मिल सकता है वो 5 करोड़ तक का आपको मिल सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो सकता है और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है। वहीं अगर स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 10 करोड़ तक का तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है और 50 करोड़ तक का आपका टर्नओवर आपको मिल सकता है। पहले जो डेटा था वो क्या था, 1 करोड़ और 5 करोड़ था, बट नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू द 10 करोड़ एंड द 50 करोड़। सेम विद द मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है दिस इज द 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़ यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है और आपका जो टर्नओवर लिमिट है दिस इज द 250 करोड़ आपकी यहाँ पर क्या है, टर्नओवर लिमिट है। तो ये आपका डेटा जो है वो आपका तैयार हो चुका है, इनके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो। अगर किसी कंपनी में इतना, मान लीजिए कभी केस स्टडी भी आपके पास आ गई ना इससे रिलेटेड, तब भी आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि अगर 1 करोड़ की बात की जा रही है तो दैट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इंडस्ट्री। अगर 50 करोड़ तक की बात की जा रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट द 50 करोड़, टर्न ओवर तक की बात की जा रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्री। If they talk about the 250 करोड़ of turnover, तो they are talking about the medium industry. So आप इस चीज को यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर भी आपको इसमें बताई गई है, जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज यहाँ पर भी आपको बताई गई है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अभी बात करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है SSI, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, जिसकी लिमिट हमको पता है कि 10 करोड़ यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है और जो हमारा टर्नओवर लिमिट है दैट इज द 50 करोड़, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज हमको ऑलरेडी पता है। तो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है इसकी बात करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अच्छा, समझ में आता जा रहा है तो वाई मेंशन कर दीजिए, है ना, समझ में आ रहा है तो वाई मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आपका जो वाई होता है ना वो मुझको ये पता चलता है कि हाँ भाई बच्चा सुन रहा है मेरी बात, ठीक है ना। तो उस इसके लिए आप लोग एक बार मेंशन कर दीजिए। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या फिर कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो सर्विस में क्यों ना इन्वेस्ट हो रही हो, वो आपकी जो है वो स्मॉल लेवल पर काम कर रही है, मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो 10 करोड़ है और टर्नओवर रेट जो है वो आपका 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस तरह की इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कहा जाएगा। चलिए गुड वन, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अगर हम एग्जांपल देखें, आपके आसपास भी बहुत सारे आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो एग्जांपल्स आपके कौन कौन से हैं, ये देखिए, बेसिकली आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है दे कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी कौन सा, ऐसा नहीं सारी की सारी, बड़ी बड़ी नहीं, जो स्मॉल लेवल पर होती हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो जो जो इंडस्ट्रीज बेसिकली आपकी जो, जैसे पावर लूम्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग की कंपनीज हो जाती हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, तो ये कुछ ऐसी है जो स्मॉल स्केल पर होती हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप को बिलोंग करती है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन होता है यहाँ पर इसका मालिक, तो वो आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि SSI में आ जाएंगी।
फिर सर्विस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए, जैसे कि लाइक रिपेयर शॉप आप देख रहे हो, चाहे वो रिपेयर शॉप आपके मोबाइल रिपेयर शॉप से रिलेटेड हो या फिर किसी एक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो, तो सर्विस इंडस्ट्रीज जो रहती हैं दे ऑल्सो कम्स अंडर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर आती है ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज। ऑक्सिलरी एक तरह से जो होती हैं ये सपोर्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं। कौन सी होती हैं? सपोर्टिव इंडस्ट्रीज होती है जो कि बड़ी बड़ी एमएनसीज को सपोर्ट करने का काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए दिस इज द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बट दे रिक्वायर द टायर, है ना, दे रिक्वायर द आयर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ व्हील्स एंड ऑल, तो ये वाला जो आइटम है दे रिक्वायर द सीट, तो ये जो आइटम है ये इनको कहाँ से मिल रहा है? दे आर गेटिंग इट फ्रॉम द एसएससी, यानी कि आप एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इनको मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। दे आर द सपोर्टिव फॉर द एमएनसीज। ये एमएनसीज के लिए क्या होंगी? सपोर्टिव इंडस्ट्रीज होंगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना सबको? अब आ जाओ एक्सपोर्ट यूनिट। एक्सपोर्ट मतलब चीजों को हम यहाँ क्या कर रहे हैं ना, बाहर भेज रहे हैं, तो वो यूनिट भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है। अब कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे यहाँ बनती है लेकिन दूसरों के यहाँ नहीं बनती है, तो ऐसे केसेस में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो स्मॉल स्केल बिजनेस बिजनेस जो होता है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में भी अपने आप को इन्वॉल्व कराता है, ठीक है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज का क्या मतलब हो जाएगा? ये आपका प्राइवेट रिसोर्सेस के थ्रू इसको जनरेट कराया जाता है। इसमें एक छोटा सा स्मॉल कैपिटल इन्वॉल्व कराते हैं ये, और अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल वन। इसी तरह से विलेज इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं ये लोग? लोकल एरिया में, सॉरी रूरल एरियाज में अपने काम को करते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स या प्रोड्यूसिंग गुड्स वाला काम नहीं है ये, एक अपने छोटे लेवल पर जो काम करते हैं उनकी बात की जा रही है। कि विलेज में ये अपनी फैक्ट्री को इन्होंने ओपन किया हुआ है, वहीं से ये अपना सारा जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं, तो दे आर ऑल्सो कम्स अंडर दी आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम ये तो हो गए इनके नाम, ठीक है ना, कि ये हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ऑक्सिलरी, एक्सपोर्ट, कॉटेज एंड विलेज। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसे मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स जो आपके आसपास मौजूद है, ऑल्दो दे आर ऑल्सो इन योर नियर बाय, बट यहाँ पर और ज्यादा आसान हो जाएगा। बेकरी शॉप सबने देखी है, कम्स अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्कूल स्टेशनरी, वाटर बॉटल इंडस्ट्री, या फिर वाटर बॉटल की जो कंपनीज होती हैं वो हो गया, लेदर बेल्ट की कंपनी, स्मॉल टॉयज की कंपनी, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फोटोग्राफी कंपनी, ब्यूटी पार्लर्स, दे ऑल कम्स अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज दे हैव द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड दे गेट द टर्न ओवर कितना? 50 करोड़, ठीक है। तो दे आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। अब आ जाओ स्कीम। ये एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों को डरा देता है, राइट, बट हमको डरना नहीं है, हम तो इजिली कर लेंगे इसको। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है कि भाई ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो कि एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ये इंडिया के प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली बनाया गया है, टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने देश में कुछ इस तरह का फंड प्रोवाइड कराएं जिससे कि इजीली इंसान जो है वो बिजनेस ओपन करने के बारे में सोचे। तो बस वही चीज यहाँ पर भी आपको बताई गई है, एमएसएमई उसी चीज को यहाँ पर बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि स्कीम जो बनाई गई है, आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। ये एक तरह की क्रेडिट सपोर्ट स्कीम होती है जो पैसा प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ खादी विलेज या फिर कोर इंडस्ट्रीज जो होती है उस वो आपका यहाँ पर एमएसएमई सपोर्ट करती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो एमएसएमई सपोर्ट करेगी। मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम्स यहाँ पर ये प्रोवाइड कराती है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये प्रोवाइड कराता है जिससे कि जो एसएससी में पर्संस इन्वॉल्व हैं दे ऑल बिकम द ट्रेंड वन, वो ट्रेंड पर्संस बन जाए, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहाँ पर क्रिएट कराया जाता है ना, जिससे कि उनको ये पता चले कि कैसे हम चीजों को और ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो दे आर द बेसिक स्कीम्स जो कि एमएसएमई के थ्रू क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। तो यही वो स्कीम्स हैं, इन चीजों को करने के लिए ये स्कीम्स क्रिएट की जा रही है।
अब जो स्कीम हम पढ़ने वाले हैं ना वो इनको सपोर्ट करती है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को, क्वालिटी सर्टिफिकेशन को, मार्केटिंग प्रमोशंस को, एंटरप्रेन्योरशिप को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, इन सब चीजों को ये सपोर्ट करती है। अब देखो कौन कौन सी होगी, दिस आर दी गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्मॉल आपका स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सपोर्ट कर रही है, सेंटर और स्टेट दोनों ही यहाँ पर सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को। किस बेस पर सपोर्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। चलिए अब देखो ये है आपके वो इंस्टीट्यूट जो सपोर्ट करते हैं किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कैसे, फंड प्रोवाइड करा के, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करा के, है ना, तो इस तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? पहला तो हो गया आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए सभी के, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर RSBDC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, ये तो याद ही रहेगा, नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर NCEUS, रूरल एंड वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट RWED, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस WASME, एंड स्कीम फॉर फंड ऑफ रीजनरेशन एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो रीजनरेशन और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए फंड प्रोवाइड करने वाले स्कीम। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो SSI को सपोर्ट करते हैं, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा डरावना सा लग रहा होगा मैम, इतनी सारी स्कीम्स, अभी तो वुमन एंटरप्रेन्योर की स्कीम्स याद करी थी, अब ये और आ गई हैं, कोई बात नहीं है, हमको क्या करना है, डायरेक्टली हमको कोई लिखने को तो नहीं देगा ना स्कीम, हमको क्या करेगा वो, हमको पूछ सकता है कि दिस स्कीम दिस बिलोंग्स टू, तो जैसा इनका नाम दिया गया है ना उसी के बेस पर आप समझ जाओगे कि हाँ ये स्कीम किसके लिए बनाई गई है। ठीक है ना, यस, गुड आफ्टरनून राखी। जैसे कि यहाँ देखो क्लियर मेंशन है नाबार्ड, तो सबको पता ही है कि ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही बना हुआ है ना, फंड प्रोवाइड कर। RSBDC भी आप देख लो, रूरल स्मॉल बिजनेस क्लियरली मेंशन है, रूरल स्मॉल बिजनेस तो मतलब स्मॉल बिजनेस के लिए ही है, बस इन्हीं तरह से चीजों को आपको याद रखना है ना, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपको लिखने को नहीं आना है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे पिक करना है, तो एक आप डेली बेसिस पर अगर आप 4 से 5 दिन भी पढ़ लोगे ना तो आपको फुल फॉर्म जो है वो माइंड में क्लिक हो जाएंगे, तो जब भी ऑप्शन आएगा आप उसको टिक कर सकते हो, है ना, तो वो एक आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अभी आ जाओ देखते हैं क्या करता है। तो 1982 में आया था नाबार्ड, क्या करता है ये जितनी भी हमारी रूरल इंडस्ट्रीज है इनको प्रमोट करने का काम करेगा, ये जितना भी रूरल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, उनको ये फंड प्रोवाइड करने का काम करता है। बस इतना याद रखना है आपको, नथिंग एल्स, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना याद करना है कि नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करता है। इसी तरह से रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को सेटअप करने में मदद करता है। ठीक है, ये किसके लिए मदद करता है, इस सेटअप बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सेट किया गया था और ये बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करता है। इसका जो मेन टास्क है, क्योंकि देखो यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है, ये देखो वर्ड लिखा है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किससे जुड़ा होगा, डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, है ना, डेवलपमेंट किससे जुड़ा है, डेवलपमेंट रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, तो दैट मीन्स कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मेन काम होता है कि जितने भी इसके जो पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए, उनको ये क्या करेगा, उनको ये ना एक तरह से ट्रेनिंग देगा, ये देखो उनको ये ट्रेनिंग देगा, काउंसलिंग देगा, अवेयरनेस प्रोवाइड कराएगा, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे क्रिएट की जाती है उसको बताएगा। तो बेसिकली डेवलपमेंट यानी कि ट्रेनिंग, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो है ये प्रोग्राम्स देगा उनको कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या वुमन्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके एंड बेनिफिट्स ले सके, वो इसका मेन फंडा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ, डेवलपमेंट
समझ जाओ वही ट्रेनिंग से रिलेटेड बात की जा रही है। ओके अब आ जाओ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC, कब आया? 1995 में। ठीक है, कई बार ना देखो इयर्स भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए जिन जिन के इयर्स हमारे पास है उनको अच्छे से याद कर लेना। ये भी कमर्शियल एस्पेक्ट के बेसिस पर हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये सपोर्ट करता है। बेसिकली इसका काम होता है टू सप्लाई द इम्पोर्टेड गुड्स को सप्लाई करना, मशीन्स को सप्लाई करना और एक परचेस एग्रीमेंट तैयार करना। ठीक है ना, फिर ये आपका प्रोक्यूरमेंट करता है, सप्लाई इम्पोर्टेड जो रॉ मटेरियल है उनको ये प्रोवाइड कराने का काम करता है, और एक तरह से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करता है, और साथ ही साथ सबको अवेयर कराता है जो भी टेक्निकल अपग्रेडेशन है उसके माध्यम से। ठीक है, टेलीग्राम लिंक नॉट वर्किंग। शिनचिन, मैं एक बार देखती हूँ दोबारा से, फिर उसको अपडेट करती हूँ। डॉक्टर बरखा गुप्ता, उनको मैं यहाँ पर एक बार टेलीग्राम लिंक सेंड करती हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। बाकी डॉक्टर बरखा गुप्ता NTUGC नेट के नाम से आप अगर देखोगे ना तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा हमारा। चलिए, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है बाकी लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, ये क्या काम कर रहा है, ये आपका एक तरह से कमर्शियल एस्पेक्ट प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल परचेस एग्रीमेंट ये सब चीजें प्रोवाइड कराता है। अब आ जाओ सिडबी। सिडबी कब आया? 1990। देखो इस बार के पेपर और पिछली बार के पेपर्स में अगर देखेंगे ना तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आए हैं, और इनमें हो सकता है आपसे डायरेक्टली इस तरह से बैंक के नाम और यहाँ पर उनसे ईयर्स आपको दिए जाए और आपको उसको मैच करना पड़े, इसलिए ना थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, तो सिडबी आ गया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से ही क्लियर हो रहा है ये टॉप गवर्नमेंट बैंक में से एक है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड कराता है डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू। ये स्मॉल जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उसको सपोर्ट देता है ये। ठीक है, ये इसका तो नाम से ही क्लियर है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जितना फंड चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए या जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है दे विल प्रोवाइड। ठीक है, यस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्कीम वाले जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। बट आप लोग सोचो कि मैं सारे नोट्स दूंगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग फिर आलस कर जाओगे। जितनी भी स्कीम्स वाली चीजें हैं, जैसे कि आज जो है ये स्कीम से रिलेटेड है तो ये मैं आपको दूंगी। इंस्टीट्यूशंस वाला जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, है ना, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं जो आप लोग प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसके नोट्स जो है वो प्रिंट आउट से ज्यादा बेटर रहेंगे। कि प्रिंट आउट आप निकाल लो, प्रिंट आउट से आप अपना पढ़ लो, ठीक है, और लिखना चाहो लिख लो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो ये वाले नोट्स मैं दूंगी, बट जैसे वो हो गया ना कि प्रोसेस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इन सब के नोट्स नहीं दूंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप लोग खुद लिख सकते हो। ओके, नॉट वर्किंग। शिनचिन, फिर डॉक्टर बरखा गुप्ता NTUGC नेट सर्च करो टेलीग्राम पर, उससे आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो इसी के थ्रू ही ज्वाइन हो रहे हैं, लिंक के थ्रू और आ भी रहे हैं। चलिए अब आ जाओ द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर NSEUS, कब आया है? 2004 में आया है। मेनली किस लिए इसको लाया गया है? इसको इसलिए लाया गया है कि भाई प्रोडक्टिविटी को, जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट और जो आपका एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट किया जा सके। इसको इसलिए लाया गया है कि जो भी हमारा स्मॉल स्केल को के लिए फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उन सबको क्रिएट किया जा सके, या फिर स्मॉल स्केल के साथ में इन सबको ज्वाइंट किया जा सके, जिससे कि स्मॉल स्केल जो है वो अपग्रेड लेवल का हो सके। यहाँ पर ये एक तरह से लोगों को, जितने भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जितने भी पर्सन्स हैं उनको ये मोटिवेट करने के लिए है कि उनको चीजें मिलनी चाहिए, है ना, तो इसके लिए यहाँ पर इसको लाया गया है।
तो बेसिकली यही इसका मेन फंडा है कि ये प्रोडक्टिव एक तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो भी आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स में है उनको ये क्या करता है सपोर्ट करने के लिए लाया गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है रूरल एंड वुमन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट RWED, मुझे जहां तक याद है फुल फॉर्म पूछा गया है इसका, तो थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसका एक ही फंडा है कि जो हमारी वुमन्स हैं उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना कि वो आसानी से सारे काम कर सके, और साथ ही साथ रूरल को भी डेवलप करना जिससे कि उनको एक तरह से प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना कि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके और वो आसानी से अपने काम को कर सके। ठीक है, तो ये इसका मेन फंडा है। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस WASME। ये जो WASME है ये इंटरनेशनल बॉडी है, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल, ध्यान दीजिएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए। और इसका जो मेन टास्क होता है कि ये एक तरह की कमिटी होती है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, ये कुछ इस तरह के प्लान्स बनाती है, मॉडल्स बनाती है जिससे कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो रूरल इंडस्ट्रीज को मिल सके। ठीक है, तो वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके स्मॉल मीडियम और आपका जो माइक्रो है इन सबको ये क्या करती है सपोर्ट करती है और रूरल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में हेल्प करती है। ओके, नाउ स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जैसा देखो ये आपका 2005 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक तरह का फंड जो है या सपोर्ट जो है वो देना शुरू किया था किसको, ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज को। इनका मेन टास्क था जैसे कि मिट्टी से जो बर्तन बनाने वाले हैं उनकी अगर बात की जाए, या डलिया जो मेकिंग वाले जो होते हैं, लकड़ी की बुनाई वाले जो होते हैं कि लकड़ी या फिर वो जूट से जो चीजें बनाते हैं उन सबको, कि वो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है तो वो ट्रेडिशन जो है वो हमारे यहाँ बरकरार रहे, है ना। तो उस ट्रेडिशंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा हायर करने के लिए यहाँ पर ये क्या करते हैं उनको फंड प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो स्कीम है बेसिकली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। क्लियर है? चलिए, तो कौन कौन सी स्कीम अभी हमने देखी है, जो हमने 8 स्कीम देखी है वो ये वाली है, नाबार्ड, RSBDC, NSIC, SIDBI, NSEUS, RWED, WASME और आपका ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ओके, अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ पर है उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर प्रमोशन ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई है उनकी यहां पर बात की जा रही है। द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, शॉर्ट में जिसे कहा जाता है IPR। ये आपका आया 1956 में, ध्यान दीजिएगा। एक और यहां पर चीज निकली वो है अगेन द IPR, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन निकला है SSI के लिए वो था आपका 1977 में। थर्ड फिर आपका आया था IPR, वो आया था आपका 1980 में। इसके बाद नेक्स्ट आपका IPR जो आया था वो आपका आया था 1990 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका IPR आया था ये आपका आया था 1991 में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आया था दैट इज आपका जो हमारा एक्ट है कौन सा, MSME, क्या होगा फुल फॉर्म, MSME एक्ट जो है ये हमारा आ चुका था 2006 में। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये जो थी ये आपकी कुछ चीजें हैं जो निकाली थी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज SSI की तरफ से। ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ SSI को प्रमोट करने के लिए ये लाया गया था IPR। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आपका लाया गया था। ये जो रिजोल्यूशन है इनका जो मेन टास्क होता था वो क्या है,
वो सिर्फ इतना है कि आपकी जितनी भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो आपका, जैसे ये वाली अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले की, तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं या जो हमारे स्टेट सेक्टर्स हैं, स्टेट के अंडर में आने वाली जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए जिससे कि वो और ज्यादा अच्छे से अपना वर्क जो है वो कर सके। तो इनको असिस्ट करने के लिए बेसिकली इसको लाया गया था, है ना। इस तरह की इंडस्ट्रीज को असिस्ट करने के लिए इनको लाया गया था, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि जो हमारा SSI में जितने भी हमारे जो वर्कर्स हैं, दे फेस सम काइंड ऑफ टारगेट, दे फेस सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लाइक इनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज उनके पास थोड़ा सा नॉलेज कम था, लेबर प्रॉपर नहीं मिल पा रहे थे, या उनको किस तरह से टैकल करना है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, स्किल्स की कमी थी, कैपिटल की कमी थी। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि प्राइवेट और स्टेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन्हें सपोर्ट किया जा सके। बिल्कुल क्लियर है, ये हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा जो आया था, अच्छा ये वाला जो फंडा था ना, ये एक बेसिकली एक चीज और इसमें है, इन्होंने ज्यादातर जो सपोर्ट किया था वो किसको किया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादातर जो इनका सपोर्ट था वो था आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज को ना, ज्यादातर सपोर्ट इनका था कॉटेज इंडस्ट्रीज को, है ना। उसकी तरफ ये मतलब ज्यादा फोकस करते थे, मतलब है तो SSI लेकिन कॉटेज इंडस्ट्रीज की तरफ इनका ज्यादा फोकस था। वहीं अगर हम बात करें IPR 1997 की, इनका जो था वो कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ साथ, इनका जो फोकस था कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ साथ जितने भी हाउस होल्ड वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, हाउस होल्ड जो इंडस्ट्रीज थी उनको ये फोकस करते थे, उनको ये प्रोवाइड कराते थे, वर्क कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बताते थे। ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट वाली जो है या जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाली इंडस्ट्रीज होती है ना, ये फंड भी प्रोवाइड कराती हैं आपको ट्रेनिंग बेसिकली। लेकिन जो नाबार्ड हो गया आपका, है ना, नाबार्ड हो गया, वो आपको फंड प्रोवाइड कराएगा। या जितने भी अभी हमने यहाँ पर जो आपको देखे थे ना, ये देखिए, ये देखो, ये आपका रीजनरेशन के लिए फंड प्रोवाइड कराएगा। तो फंड तो आपको ऑलमोस्ट सभी देते हैं, बट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो फंड के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा रही हैं, है ना। चलिए फिर IPR हम बात करें 1980 की। इनका जो मेन टारगेट था कि भाई 1980 में इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया, IPR आ गया आपका। इनका था कि ये अपने जितने भी जो SSI को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं, इनको ये ना 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का ये फंड प्रोवाइड कराते थे। कितना? 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का ये फंड प्रोवाइड कराते थे माइक्रो इंडस्ट्रीज को। और 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का प्रमोट करते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। और 15 से लेकर 25 तक का फंड ये प्रोवाइड कराते थे किसको? आपका मीडियम इंडस्ट्रीज को, ठीक है। ये करता था कौन? ये वाला 1980 वाला, ठीक है। तो ये सपोर्ट तो करता ही था, साथ में फंड भी प्रोवाइड कराता था। अब बात करते हैं 1990 वाले। 1990 वाले में क्या हुआ कि थोड़ा सा ये जो हम लिमिट की बात कर रहे हैं ना, ये लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। ये भी क्या करते थे, उनको फिक्स एसेट्स के लिए और वो सारी चीजों के लिए पैसा प्रोवाइड कराते थे, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लिंक जो इनका जो रेंज थी वो थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा दी, ठीक है। तो जैसे इन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने फिक्स कर दी कि 2 लाख से लेकर 25 लाख तक, वही चीज हो गई, यहाँ पे 1 लाख वाला फंडा हट गया। इनका कहना था 2 लाख से लेकर 25 लाख तक का हम जो है वो इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये डिपेंड करता था कंपनी टू कंपनी कि किस तरह की कंपनी है, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता था कि वो कितना देंगे। बट इन्होंने भी क्या किया, अपनी लिंक बना ली थी कि एक रेंज बना लिया, इस रेंज के अंदर ही आपको पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये इनका फंडा था। अब ये वाले जो थे ना, ये थोड़े से और एडवांस निकले, है ना। IPR 1991, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर इस चीज को लेकर आ गए कि इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है ना, वो इन्होंने यहां पर टाइनी इंटरप्राइजेस को भी इंक्लूड कर दिया। किसको इंक्लूड कर दिया? टाइनी इंटरप्राइजेस। अभी तक हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम की बात कर रहे थे। इनका कहना है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो इससे भी छोटी होती हैं,
तो वो इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि टाइनी एंटरप्राइजेस जो हैं वो भी मौजूद होती हैं, है ना। और इनका कहना था कि टाइनी एंटरप्राइजेस को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा जो है वो अलॉट होना चाहिए, जिससे कि वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो इस चीज को इन्होंने यहाँ पर इन्वॉल्व करा दिया था, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, इनका कहना था कि कुछ एनजीओस भी आने चाहिए जो कि आपकी इस तरह की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, जिससे कि वो भी अपना जो है वो डेवलपमेंट कर सके, फॉर द डेवलपमेंट। यहाँ ये हुआ। इसके साथ ही साथ अब आ गया ये वाला। तो ये क्या करता है, ये तो आपको पता ही है, इसकी लिमिट हमने आपको बताई दी थी, सभी को याद है ना लिमिट। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए हमने इनकी लिमिट तैयार की है, वो सारी की सारी लिमिट्स हमने आपको बताई है, ठीक है। 1 करोड़ to 5, नहीं, 5 to 10, ठीक है, 5 to 10, 10 to 50 एंड 50 to 250। और किसकी बात हो रही है, करोड़ की बात हो रही है, ये इन्होंने लिंक बना दी। लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं कुछ अलग स्कीम्स से, कुछ अदर स्कीम्स आल्सो हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए कि बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए और कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ऑल्दो ऐसी स्कीम्स हैं जिनके नाम आपने सुने भी होंगे। एक है आपकी स्फूर्ति स्कीम, ठीक है, ये कब आई है, 2005 में आई है। स्फूर्ति स्कीम कब आई, 2005। बेसिकली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए आई है। बेसिकली किस लिए आई थी ये, जितनी भी हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट करने के लिए आई है स्फूर्ति स्कीम। बिल्कुल ठीक राखी, यस। नेक्स्ट स्कीम हमारी आई थी ISEC, यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये स्कीम आपकी आई कब आई थी, ये आई थी आपकी 1977 में, ठीक है। ये ज्यादातर जितनी भी जो हमारी लाइक इनका जो मेन फंडा था कि कहाँ से आपको फंड मिल रहा है, वो सारे बैंक जो है उनको ये सपोर्ट करती थी। बेसिकली इनका फंडा था कि जो भी बैंक है वो सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराएं, उसके लिए ये आपकी स्कीम आई थी। फिर नेक्स्ट आपकी आई MDA स्कीम। MDA स्कीम क्या हो गया, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। इसका मेन फंडा था कि जैसे हमारे देश में काम हो रहा है उसी तरह से अगर इंटरनेशनली भी अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल जो फेयर्स होते हैं उनमें यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके कि बिजनेस जो है वो हर जगह के लिए ग्रो कर जाए। तो ये बेसिकली फंड प्रोवाइड कराती थी इसके लिए, इंटरनेशनल में अपने आप को और ज्यादा सपोर्ट करवाने के लिए, ठीक है। एक स्कीम और आई, दैट इज क्रेडिट क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है ये माइक्रो स्मॉल और इंटरप्राइजेस को कम रिस्क पर क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना, कम रिस्क पर क्रेडिट प्रोवाइड कराने का काम करती है। फिर इसके बाद एक आई, ये आप लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम, क्योंकि ये नई है, स्टार्टअप इंडिया। पार्थ, वो वाला जो आप पार्ट बोल रहे हो ना, ये हमारा एक अलग टॉपिक है पूरा, इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड द फंड, है ना, वो एक अलग पूरा एक पार्ट है, वो अलग से पूरी एक क्लास लूंगी मैं जिसमें आपको वो इंस्टीट्यूशंस बताऊंगी, जिसमें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों तरह के आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे जो फंड प्रोवाइड कराते हैं स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। वो पूरा एक अलग से आपका पूरा चैप्टर है, आई मीन अलग से पूरा एक क्लास होगा उसका। यहाँ पर अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, स्टार्टअप इंडिया आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये लेटेस्ट है, 2016 में आया है, ठीक है, जनवरी 2016 में आपका आया है। और इसका जो मेन फंडा था कि
ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स लाइक एक 4 वीक का ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, और बेसिकली स्टार्टअप इंडिया जो है वो लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए ही फेमस है, प्रोग्राम्स को लर्न करने के लिए ही फेमस है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एक और है, दैट इज दी मेक इन इंडिया, ये भी सबने सुना होगा, ये भी एक सपोर्टिव स्कीम है जो 2014 में आपकी आई है, लॉन्च की गई थी। और जितने भी हमारा, क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कि हमें हमारी इंडिया को क्या करना है ना, और ज्यादा बेहतर बनाना है। तो इंडिया को बेहतर कब बनेगा, जब हम इसके मैन्युफैक्चरिंग में, जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में और साथ ही साथ डिजाइन की तरफ और ज्यादा फोकस करेंगे तब बनेगा। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब को फोकस करने वाला आपका है मेक इन इंडिया। ठीक है, एक और स्कीम आई थी, वो थी आपकी अटल इनोवेशन मिशन, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, अटल इनोवेशन मिशन। ये जो स्कीम आई है, AIM इसका शॉर्ट टर्म है, और ये बेसिकली प्रमोट करती है स्कूल लेवल के बच्चों को जो भी क्रिएटिव होते हैं, है ना, स्कूल लेवल पर ये सपोर्ट करती है जो भी क्रिएटिव होते हैं, उन क्रिएटिव को ये क्या करती है, एक एक तरह से यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें एक लैब होती है, इस लैब में आपको एक लैब होती है जिसमें हर तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। अब आपने पढ़ लिया थ्योरी, आपने पूरी पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिकल करना है, तो जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन्होंने जो लैब बनाई हुई है ना, आप वहां पर जाकर प्रैक्टिकली उन चीजों को कर सकते हो, प्रैक्टिकली उन टूल्स का यूज कर सकते हो जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर बनाया गया, जिससे कि जो पर्सन हैं उनके अंदर जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी इनहेंस हो जाए। तो इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन भी बनाया गया है जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, एक और आपका आया था, दैट इज प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए क्रिएट की गई थी, स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट क्यों, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो क्रिएट हो सके, और जितने भी हमारी यंग जनरेशन है उसके अंदर टैलेंट क्रिएट हो सके, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये थी कुछ स्कीम्स जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आपकी काम आती है। ठीक है, फिर ऐसे एक बार देख लेते हैं, जो हमने बताई 8 स्कीम्स वो तो गवर्नमेंट की तरफ से है ही है, इसके अलावा SSI में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस और जितने भी आपके IPR हैं अलग अलग, वो आपके आ गए। फिर आपकी कुछ अदर स्कीम आ गई, स्फूर्ति स्कीम, ISEC, MDA, क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये आपकी कुछ स्कीम्स हैं जो कि लॉन्च की गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ये था आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप अच्छे से करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो सिकनेस है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, समहाउ कहीं ना कहीं कुछ सिकनेस पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं, तो वो सिकनेस के क्या टाइप हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, कल हमारी इसकी क्लास नहीं होगी, कल हम पेपर 1 की क्लास करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जो पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पेपर 2 का जो आपका यूनिट 8 है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस हम पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च परस्पेक्टिव से भी, सारी परस्पेक्टिव से। तो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के टाइप्स और आपके हाइपोथेसिस के जो टेस्ट है, वो सारी चीजें हम कल एक क्लास में देखने वाले हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पेपर 2 में भी मौजूद है। ठीक है, चलिए, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि आपको इसका PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, टेंशन मत लीजिए, बट ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, द अदर स्कीम्स आर दे लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, जो नई स्कीम्स अभी तक जितना भी करंट वाली स्कीम्स है वो मैंने आपको बता दी है याशिका, है ना, अगर कोई नई स्कीम और लॉन्च होती है तो वो जैसे ही लॉन्च होगी वो आपको पास में इंफॉर्मेशन आती जाएगी, बट अभी तक जितनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है।
चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस। चलिए, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। ओके, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अपने अपने नोट्स बनाते जाइए और डेली की प्रैक्टिस भी करते जाइए। ऑल द बेस्ट।